राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो कि बढ़िया होंगे। आज सुबह मैं उठी और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बिल्कुल भी मन नहीं था बच्चों का टिफिन बनाने का। लेकिन हम मम्मियाँ क्या ही करें, बच्चों के टिफिन बनाने के लिए, हस्बैंड का टिफिन बनाने के लिए हमें उठना ही पड़ता है। तो मैं सुबह उठी, मैंने बच्चों से पूछा टिफिन में क्या दूँ, तो वैभव सबसे पहले जाता है। वैभव को पता था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वैभव ने बोला, मम्मा मुझे तो रोटी सब्जी नहीं चाहिए, आप मुझे बिस्किट दे दो। तो वैभव को बहाना भी मिल गया, क्योंकि उसे रोटी सब्जी सच में नहीं लेके जानी थी, वो चिढ़ा हुआ था कई दिन से। तो वो फिर चॉकलेट बिस्किट लेके चला गया स्कूल में। तो फिर मैं दोनों बच्चों के रूम में गई। मेरा मन में ये था कि बस ये एक बार ये कह दे कि मम्मा आप बिस्किट दे दो, तो मैं शांति से जाके लेट जाऊं। लेकिन वहीं पर बच्चों ने बोला, दोनों बच्चों की आवाज आई, मम्मा फ्राइड राइस, मम्मा चाउमीन वाले राइस, ये दे दो भाई। मतलब थोड़ा सा गुस्सा भी आया कि ये क्या है, अब मैं कैसे सुबह सुबह तैयारी करूं। क्योंकि जब ये चावल मैं बच्चों को टिफिन में देती हूँ ना, तो मैं एक दिन पहले राइस बना के फ्रिज में रख देती हूँ रात में, तो रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आते हैं। पर कोई बात नहीं है, बच्चों जब कह देते हैं ना, तब ऐसा लगता है कि मैं कैसी माँ हूँ, मैं बच्चों की बात नहीं सुन रही। आई एम श्योर ये आपके साथ भी होता होगा। वही एक गिल्ट एकदम से जाग गया कि चल कोई बात नहीं, बना ले, थोड़ी सी देर में तो बन ही जाएगा। तो मैंने सबसे पहले ना चावल उबालने के लिए रख दिए थे। आज मैंने चावल को भिगोया नहीं, ऐसे ही बस धोया और दो सीटी लगा दी, चावल अच्छे उबल गए। फिर मैंने कुछ सब्जियां कट कर ली, जिसमें मैंने सबसे पहले प्याज लहसुन और अदरक को फाइन चॉप कर लिया। अब ये है यहाँ पर गाजर पत्ता गोभी, इन्हें भी मैं चॉप कर लूंगी। ये मैनुअल चॉपर में बड़ी जल्दी चॉप हो जाते हैं, तो सब्जी काटने का जो टाइम है वो बच जाता है। अगर आप ये जो रेसिपी है अपने बच्चों के टिफिन में, हस्बैंड के टिफिन में प्लान कर रही हैं, तो एक दिन पहले से सारी सब्जियां काट कर एयर टाइट डब्बे में भर के फ्रिज में रख सकते हैं, सो दैट आपका सुबह सुबह जो टाइम है वो ज्यादा नहीं लगेगा। अब यहाँ पर ये प्याज वगैरह मैंने मध्यम आंच पर भून लिए हैं, थोड़ा सा सुनहरा इन्हें करना है। फिर ये जितनी भी सब्जियां हमने काटी थी, इसमें मैंने पहले डाला है गाजर और पत्ता गोभी, तो ये दोनों सब्जियां पहले आपको डालनी है। और प्याज वगैरह पहले भून ही लिया था हमने। जब आपकी गाजर पत्ता गोभी आपकी आपके अनुसार भून जाए, लाइक कि हाँ मुझे इतना ही चाहिए, तब आप इसमें डालिएगा शिमला मिर्ची, क्योंकि वो बहुत जल्दी पकता है, तो वो हम थोड़ा बाद में डालेंगे। फिर बाद में मैंने बॉइल्ड कॉर्न डाल दिया था, पानी में रख दिया था गर्म करने के लिए। देखिए बच्चे तैयार हो गए हैं। तो वैभव को इन चावलों में कोई रुचि नहीं है, वैभव का डब्बा पैक हो चुका था, जिसमें थे आज बिस्किट्स और उसकी फेवरेट कुछ नमकीन वगैरह मैंने रख दी थी। अब दोनों बच्चे जो है थोड़ा सा लेट जाते हैं, तो मुझे भी लगा कि चल जब तक ये दोनों बच्चे उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, मैं बना ही दूंगी। और फिर वही है कि माँ के अंदर ना उस टाइम पर पावर पता नहीं कहाँ से आ जाती है, इतना स्टेमिना आ जाता है कि कितनी भी बीमार हो वो बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए उठ ही जाती है। तो मैंने एक पूरा शैशे डाल दिया इसमें, ये सहजवान नूडल मसाला, मार्केट में इजीली मिल जाता है, ये मैं रखती हूँ घर में। इसमें चाउमीन मसाला, नूडल मसाला, कई प्रकार के मसाले आते हैं, पनीर चिल्ली मसाला, तो ये मैं कभी कभी इसलिए रखती हूँ कि जब आपको इंस्टेंटली कुछ बनाना हो तब ये अच्छा परिणाम देता है। तो मैंने इसमें ये मसाला डालकर अच्छे से मिक्स किया। एक टेबलस्पून मैंने अपनी खुद के घर की बनाई गई होममेड सहजवान सॉस डाला है, एक टेबलस्पून टमाटो केचप डाला है और थोड़ा सा मैंने इसमें विनेगर डाला है। आप यहाँ पर डार्क सोया सॉस भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा आधी चम्मच के करीब काली मिर्च का पाउडर, एक टीस्पून चीनी जाएगा और नमक आप थोड़ा सा ऐड करिएगा, क्योंकि जो मसाले का पैकेट होता है वो नमक वाला होता है, उसमें नमक भी होता है तो फिर ज्यादा हो सकता है, इसलिए नमक आप यहाँ पर बहुत कम डालें। और ये देखिए दो सीटी के बाद चावल अच्छे से पक गए थे। मैंने दो सीटी के बाद कुकर का प्रेशर निकाल दिया और चावल को अच्छे से फ्लफ कर दिया। तो वैसे तो ये जो रेसिपी है ये एक दिन, मतलब थोड़ी दो चार घंटे पुराने राइस होंगे ना तो उनसे ज्यादा अच्छी बनती है, लेकिन फिर भी हाँ फ्रेश राइस से भी इसे बनाया जा सकता है। तो मैंने बस यहाँ पर चावल उबाले, गर्म गर्म चावल को फ्लफ किया और इसमें ऐड कर दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया। दो एक मिनट अब हम इन्हें मध्यम आंच पर भून लेंगे। तो यहाँ पर आप इन्हें हाई फ्लेम पर या मीडियम टू हाई फ्लेम पर भूनना, स्लो फ्लेम नहीं करनी है, दो मिनट के करीब। तो मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर इन्हें दो मिनट भूना और अब खूब सारा धनिया मैंने इसमें डालने के लिए कट कर लिया है। और जब मैं सुबह उठी सबसे पहले मैंने दही बनाया, क्योंकि मुझे 12 बजे दही चाहिए था किसी काम के लिए, तो मैंने सबसे पहले दही जमा दिया था। आपने शुरुआत में देखा होगा दही जमा रही थी मैं। तो वैभव जा चुका था इस टाइम पर स्कूल और अब मैं ये दोनों बच्चों के लिए चावल निकाल रही हूँ। फटाफट बन गए हैं, बच्चे जो हैं 7:05 पे घर से निकलते हैं और मेरे राइस 7:45 तक बन चुके थे, ठीक है जी, क्योंकि ऐसा सच वैभव का टिफिन नहीं बनाया मैंने। तो ये राइस फटाफट आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया फ्राइड राइस बनते हैं। खास बात यह है कि खूब सारी सब्जी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बच्चे खुशी खुशी खाते हैं। आप इसमें ना सोयाबीन भी डाल सकते हैं, पनीर भी डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया स्वाद आता है। तो बस मैंने यहाँ पर दोनों बच्चों का टिफिन तैयार किया, फैन के नीचे रख दिया, फैन ऑन करके कि जल्दी से ठंडा हो जाए। और सुबह सुबह हर घर की हालत ऐसी रहती है, कहीं पर न्यूज़पेपर पड़ा होता है,
कहीं पर टॉवल पड़ा होता है, आजकल मेरे बच्चों को चोट बहुत ज्यादा लग रही है दोनों को, तो वहीं पर ना फर्स्ट एड वाला डब्बा भी पड़ा होता है क्योंकि उनको स्कूल में बैंडेज लगा के जाना होता है। तो हस्बैंड वैभव को छोड़ने चले गए हैं और मैं ये जो कपड़े हैं जो धुले थे उनको फोल्ड कर रही हूँ और रखती जा रही हूँ। हमारे यहाँ बच्चों के और हस्बैंड के स्कूल या ऑफिस जाने के बाद काम नहीं करते हैं आधा पौना घंटा। तो अब बस टिफिन बन ही चुका था और ये चावल भी ठंडे हो चुके थे। एंड लुक एट द कलर, इतना शानदार आया है। तो ये बहुत बढ़िया फ्राइड राइस, अक्सर हम इन्हें मंचूरियन के साथ बनाते हैं, लेकिन आप इन्हें ऐसे भी बनाकर बच्चों के टिफिन में दोगे, खुद भी खाओगे तो ये बहुत शानदार लगते हैं। मुझे ना ये दही के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। आपको भी चावल दही के साथ पसंद है तो कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर चावल के साथ आपको क्या पसंद है। और ये लड्डू है, हनुमान जयंती थी ना तो प्रसाद चढ़ाया था भगवान जी को। कोई भी मीठा नहीं खाता मेरे घर में, कोई भी मिठाई अगर आ जाती है तो वह ऐसी ही रखी रहती है। मैं भी जो रेसिपी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, उसमें से थोड़ा बहुत ही मेरे घर में खाया जाता है, बाकी सारा डिस्ट्रीब्यूट ही मैं करती हूँ। तो बस यहाँ पर बच्चे स्कूल चले गए हैं, गोलू चली गई है, और गोलू ने चोटी नहीं बनाई है आज क्योंकि वो लेट हो गई थी, तो उसकी चोटी ना उसकी फ्रेंड उसकी बस में बनाती है, तो बस में वो चोटी बना लेगी। दोनों बच्चे चले गए हैं, वैभव पहले ही चला गया था। थोड़ी देर मैंने ब्रेक लिया यहाँ बालकनी में, बच्चों को बाय किया मैंने, और थोड़ी देर का ब्रेक, ज़्यादा नहीं 2-3 मिनट का, उसके बाद मैं अपने काम पे लग जाऊंगी, थायराइड वाली दवाई लूंगी। और बस जब मैं नीचे देख रही थी तो हस्बैंड वापस आ रहे थे वैभव को ड्रॉप करके। उसके बाद मैंने सीधा लंच बनाया, और काफ़ी सारे लोग आप में से पूछ रहे थे आप दाल कैसे बनाते हो, बहुत शानदार दाल बनती है ये, आप ऐसे बनाना, बहुत मज़ेदार। जो वो वाली दाल होती है ना, दाल फ्राई जो अक्सर हम रेस्टोरेंट में खाते हैं, वही रेसिपी है। इसके लिए एक प्याज कट कर लीजिए, बड़ा साइज होना चाहिए प्याज का, और फाइन चॉप प्याज को करना है आपको। ये लंच का वीडियो है जो मैं आपको आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। हस्बैंड के लिए दाल चावल बना रही हूँ मैं, बच्चों के लिए फ्राइड राइस बचा है, और ये थोड़ा सा मैंने गार्लिक इसमें कूट लिया है, तो फ्रेश गार्लिक को कूट कर हम इसमें तैयार करेंगे। एक कुकर में हम डालेंगे तेल, तेल को अच्छे से गर्म करके इसमें जीरा हींग राई डालकर भून लेंगे, फिर करी पत्ता डालेंगे खूब सारा, और प्याज डालकर इस प्याज को सुनहरा होने तक भून लेंगे। तो ये प्याज यहाँ पर आपको सुनहरा होने तक भूननी है, ऐसा नहीं कि ट्रांसलूसेंट पे ही आप आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे, क्योंकि ये दाल फ्राई बन रही है, हलवाई जैसी बनाएंगे जो रेस्टोरेंट में हम खाते हैं, उसके लिए इसका सुनहरा होना अनिवार्य है। अब 2-1 मिर्च मैंने कट कर ली है, थोड़ी तीखी सी चटपटी सी ये दाल बनती है, बहुत ही शानदार, आपको बहुत पसंद आएगी। और सुबह भी अगर आप अपने हस्बैंड को टिफिन देती हैं तो इस प्रकार से दाल बनाकर दीजिएगा, एक तो ये फटाफट बनती है, ऊपर से बहुत टेस्टी बनती है। अब दाल के लिए मैंने 3 टमाटर कट कर लिए हैं, तो इस दाल में ना प्याज टमाटर थोड़ा ज़्यादा जाता है, तो जितना प्याज ले रहे हैं उसका डबल आप टमाटर ले सकते हैं। तो मैंने प्याज तो एक ही डाला है क्योंकि काफ़ी बड़े साइज का था, तो टमाटर मैंने मीडियम साइज के थे 3 कट कर लिए हैं। इस रेसिपी में आप यहाँ पर अदरक को कद्दूकस करके ले सकते हैं, लेकिन एक बार मेरे कहने से अदरक को फाइन चॉप करके ऐड करिएगा, स्वाद बहुत अच्छा आता है। जब आप इसमें जीरा और ये राई वगैरह डाल रहे हैं तभी अदरक को भून लीजिएगा। अब इसमें रूटीन के ही मसाले, हल्दी मिर्ची नमक धनिया का पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा गर्म मसाला, थोड़ा आमचूर पाउडर, और थोड़ा सा इसमें जाएगा यहाँ पर काला नमक और रेगुलर नमक, ये मसाले इसमें जरूर जाएंगे क्योंकि ये दाल थोड़ी सी हटके बन रही है। थोड़ा सा मैंने इसमें डाला यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा, और बस सारी चीज़ों को डालकर हम अच्छे से मिक्स करके टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे, और ये राइस भी मैंने बना लिए हैं। ठीक है जी, तो गर्मियों में अक्सर मैं ऐसी ही रेसिपीज बनाती हूँ जिसमें बनाने में समय ना लगे और हम लेडीज़ को भी थोड़ी शांति मिले, क्योंकि खाना तो हर दिन बनाना ही है, तो ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए जो फटाफट खाना बन जाए और सबको बढ़िया भी लगे। ये 3 घंटे पहले भीगी हुई तुअर दाल है, हमारे यहाँ इसे हेड की दाल बोलते हैं, यूपी वाले कमेंट करके बता सकते हैं हेड की दाल बोलते हो या अरहर की। तो कुछ लोग अरहर दाल, कुछ लोग तुअर दाल, कुछ लोग पिजन दाल, कुछ लोग हेड की दाल, तुअर दाल, अलग अलग नामों से दाल जानी जाती है। तो दाल में पानी डालकर हाई फ्लेम पर 2 सीटी दे देंगे, तब तक इस दाल के लिए एक बढ़िया सा छोंक बनाएंगे जो इसे सीधा ढाबे वाली दाल बना देगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैन में डालेंगे शुद्ध घी तकरीबन 2 टेबल स्पून, थोड़ा सा राई, थोड़ा जीरा, और इसमें ये गार्लिक यानी कि लहसुन डाल देंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते यहाँ पर हींग डालिएगा बढ़िया फ्लेवर वाला, फिर सूखी लाल मिर्ची, और गैस की फ्लेम कर देंगे बंद, और अंत में थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर देंगे, और बस अब हम इस छोंक को
अपनी दाल में डालेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हरा धनिया भी इसमें मिला देंगे और ये जो तड़का है आपकी दाल का स्वाद चार गुना करेगा। कहाँ थे इतनी देर तक? और हालत देखो, स्कूल से आए हो या जंगल से आए हो? कितनी गंदी शर्ट है, रोज धोती हूँ। डॉजबॉल था क्या? था चलो आज तो डॉजबॉल था। क्या किया फिर उसमें तुमने? डॉजबॉल में हालत देखो, कितने पसीने आ रहे हैं तुम्हें, देखो इतना लेट आते हो तुम। और ये मुझे तो ठंड लग रही थी, मैंने तो स्वेटर पहन के रखा हुआ है। दूसरी टीम अंदर घुसती है, फिर एक बच्चे को बॉल देते हैं और फिर वो फेंकता है, जिसको नी या नी के नीचे लगी वो आउट। ठीक है, नी दिखाओ, नी दिखाओ, कहीं पता चले नी फिर से। ओहो, नी पे तो निशान हो गए, दिखा ना दूसरी नी। इसी पे थी ना दोनों बार चोट? इसी पे थी ना दोनों चोट? दो बार चोट इसी पे लगा था ना। रुको, परमानेंट निशान हो गया। गुड, परमानेंट नहीं हुआ। अच्छा, चला जाएगा। हाथ दिखा ना, हाथ दिखा। चोट का रिव्यू आज। ओ माय गॉड, अभी भी ये बहुत डीप है। इतना भी डीप नहीं, अब इतना ही है बस। अच्छा, और डीप करूं इसे? पीछे हो जाओ पहले, ये बताओ, सुनो मेरी बात, सामने आ जाओ। ये शर्ट पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे, दिख नहीं रहा मुझे। ये जो शर्ट है इतनी गंदी है, ऐसा लग रहा है तुम किसी पेड़ पे चढ़ के आए हो। इस पे इतने दाग लगे हैं, येलो येलो हो रही है शर्ट। कैसे हुई? तो डोज बॉल था कि सब्जी एक दूसरे के ऊपर फेंकने का कॉम्पिटिशन था। बॉल गंदी होगी ना, क्योंकि उसमें वो थे, क्या कहते हैं, फर जो जिससे मिट्टी चिपक रही थी। नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि जो डोज बॉल थी उसको सब्जी में डिप करके फेंका है तुमने एक दूसरे के ऊपर। सी सी योर शर्ट कितनी गंदी है, और पसीने कितने ज्यादा पसीने आ रहे हैं। रेत के ऊपर तुम अभी सेकेंडरी में? वैभव, तुम अभी पार्क में खेल रहे थे, मुझे पता है, झूठ मत बोलो। मैंने ऊपर से देखा था। ठुड्डी देखो कैसी हो रही है। चलो जाओ, चेंज करो, नहाओ अच्छे से, नहाना ठीक है। पीछे से भी कितनी गंदी हो रही है, पसीने कितने आ रहे हैं। हाँ जाओ जाओ, अच्छे से साबुन से अच्छे तरीके से धो, नहाना ठीक है, दूसरे रूम में। तो जी, दो सीटी आ गई थी, प्रेशर निकल चुका था दाल का, और अब मैंने ढक्कन खोला और देखिए कितना बढ़िया रंग आया है दाल का। बहुत ही शानदार दाल बनती है ये, आप ऐसे बनाना। और आप ना इस दाल में लौकी, तोरी, थोड़ी सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, बड़ी टेस्टी बनती है ये। और इस दाल में थोड़ा सा सांभर मसाला ऐड कर दीजिएगा। तो जब मैंने सारे मसाले डाले थे उसमें मैंने एक छोटा चम्मच सांभर मसाला भी ऐड किया था, वो भी मेरा होममेड सांभर मसाला। अगर आपको उसका रेसिपी भी चाहिए कमेंट कर दीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगी आपको, वैसे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं सांभर मसाला कैसे बनाते हैं, साल भर उसे कैसे स्टोर कर सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट बनता है ये। और यह है मेरा होममेड गरम मसाला, अंत में इसे डालेंगे, और तड़का भी डाल दिया मैंने, और थोड़ा हरा धनिया और डाल देंगे, और इस कुकर का ढक्कन लगाकर 5-1 मिनट छोड़ देंगे, और उसके बाद हम इस दाल को सर्व करेंगे। तो मेरे हस्बैंड की प्लेट लगा रही हूँ मैं, थोड़े से चावल हैं, ये बहुत छोटी सी थाली है, बहुत छोटी सी, आपको इसमें ज़्यादा बड़ा लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ही छोटी सी थाली है। तो मेरा आज लंच में क्या क्या बनाया था, दाल, चावल और ये भिंडी की बहुत बढ़िया सब्जी, बहुत ही शानदार बनती है ये। वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।